अरे यार भैया एक नंबर लगा यार यहाँ आके तो क्या बोलना चाहोगे सबको कि भाई हम तो आ चुके पर हमको देख के तुम भी आओ यार तुम भी यहाँ। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज एक यहाँ पर बहुत ही मनमोहक दृश्य रिकॉर्ड हो रहा है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। तो कुछ इस तरह की सुबह होती है मनाली में बहुत ही मनमोहक दृश्य के साथ। तो दोस्तों मैं हो गया हूँ रेडी और आज हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पर। तो चलिए आपको सबसे मिलाते हैं देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सब रेडी हो गए हैं। रेडी होगी बहुत चकाचक तैयार हो गए हैं। दीपक भी तैयार हो गए हैं। भैया भी तैयार हो गए हैं। पूजा भी रेडी हो गई। तो अंतर भैया भी रेडी हो गए हैं। इधर शैलू भी रेडी हो गया है। बाहर आ गए हम लोग और वो लोग भी नीचे आ रहे हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं। शैलू भी बहुत स्मार्ट लग रहा है। नहीं रे और ये सब भी आ गए। देखिए यहाँ बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं। एक सफ़ेद झग दिख रहे हैं। ये सब सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं। और आज दीपक आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। दीपक आज अलग दिख रहा होगा। आप कमेंट में बताना कि दीपक में क्या बदलाव है आज। तो दोस्तों हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिसकी वजह से हमें ये पोशाक लेना होता है जिसमें जूते ग्लव्स वगैरह और इस तरह की ड्रेस होती है। और आपको जब भी आप जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए पैकेज लेना होता है जिसमें ATV बाइक राइड जिप लाइन और भी स्कीइंग होता है इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। तो उसके लिए आप जैसे कि हमने यहाँ पर शॉप नंबर 125 से लिया है तो आप भी ले सकते हैं। तो हम आपको मिलेंगे उस जगह पर। अभी मैं बताऊँगा नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं आप अभी कपड़े ले ले हैं। तो आप वीडियो में बने रहे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस हम लोग बस रोहतांग पास पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर इतना शानदार दृश्य था तो हमने सोचा क्यों ना आपको इसको दिखाया जाए। और ये जो आप नज़ारा मेरे पीछे देख रहे हैं ये बर्फ़ यहाँ पर भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको जब हम टच करेंगे तो ये बर्फ़ है। ये देखिए ये बर्फ़ है पूरी की पूरी पूरा का पूरा बर्फ़ है। तो इस तरह का सुंदर नज़ारा आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग अभी बस पहुंचने ही वाले हैं रोहतांग पास। तो अभी बीच में हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा घूमटी टाइप बना हुआ है तो उस पर हम मैगी खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये सब यहीं पर है। दीपक भी है अंदर भैया भी है सभी के सभी मैगी खा रहे हैं। और शैलू तो भिड़ गया है। शैलू को दिखाता हूँ। श्रुति भी भिड़ गई है। ये देखो मैगी खाने का मज़ा है बहुत अच्छा। यहाँ पे इतनी अच्छी लग रही है। और ये आ गए दीपक। दीपक भी व्लॉग शूट कर रहे हैं। अंतर भैया मैगी खा रहे हैं इतनी ठंडी में। ठंड में ठिठुर रहे हैं अंतर भैया लेकिन मैगी खाना बंद नहीं करेंगे। कैसी लग रही है अंतर यार? एक नंबर लग रहे यार। भूख तो भूख तो होती यार। भूख होती लेकिन ठंड इतनी लग रही है। अंतर भैया के हाथ आप देख सकते हैं। ठीक है कपड़ा यार पूरा में। तो अभी हम लोगों ने पहन लिए कपड़े और ये सब भी रेडी हो रहे हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो ये भैया हमारे गाइड हैं जो कि हमने जिस शॉप से ये कपड़े लिए थे वहीं से इनको ये गाइड है हमारे। भैया आपका नाम क्या है? चमनलाल। चमनलाल भैया हमारे गाइड है। और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पर ये जो दिख रहा है यहाँ पर स्कीइंग होगी और उसके बाद फिर सोलांग वैली जाएंगे वहाँ पर हमारी ATV बाइक राइड होगी है ना। बाइक हाँ माउंटेन बाइक राइड वहाँ पर होगी। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं रोहतांग पास पे और आपको ये देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसको पहाड़ी बेल है जिसको याक कहते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत। और इनकी राइड की जाती है। इनके ऊपर बैठा जाता है और राइड की जाती है और वो भी चार्जेबल है। हर चीज़ का पैसा लगता है यहाँ पर। और आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं। देखिए आप किस तरह का है। कैसा लग रहा भैया आपको? एक नंबर। एक अगर धकल नहीं की असा धकल लो रोक नहीं असा रोक धकल लो रोक धकल रोक। जितना आसान ये दिखता है उतना आसान है नहीं। जब आप इसमें जाते हो तो आपके पांव बैलेंस नहीं जमा पाते हैं। एक पांव आगे जाता है एक पांव पीछे जाता है।
एक सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप जब भी हिमाचल प्रदेश आते हो तो रोहतांग जरूर आए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस वंस इन ए लाइफ टाइम मिलेगा। तो अभी हमने हमारी स्कीइंग वाली जो एक्टिविटी वो कर ली है, अंतर भी आपको कैसा लगा? अरे यार भैया एक नंबर लगा यार यहाँ के। तो क्या बोलना चाहोगे सबको कि भाई हम तो आ चुके पर हमको देख के तुम भी आओ यार, तुम भी यहाँ आके देखो। हाँ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, कम खर्चे में ही हो जाएगा। आप लोग आओ, यहाँ बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि ये जीवन में ये अनुभव लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी सोलांग वैली में हमारी अगली एक्टिविटी करने के लिए। तो आप वीडियो में बने रहे, आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी इसमें। तो अभी मैंने कर ली है ATV बाइक राइड, और अब शेलू और दीपक और अंतर भैया शायद कर रहे हैं या नहीं, मुझे ढंग से पता नहीं है, लेकिन दीपक ज़रूर कर रहा है। जिप लाइन पर आए हम, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे दीपक और पूजा जा रहे हैं जिपलाइन करने के लिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, ये नहीं पकड़ना आपको, मोबाइल चलो। तो दोस्तों हमने अपनी अपनी एक्टिविटीज कर ली है सोलांग वैली में, और मैंने ATV बाइक राइड करी है और इन लोगों ने जिप लाइन करी है जो आपको वीडियो में आपने देखी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।